नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश में कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं का आरोप लगाते हुए सोमवार को भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कार्यकर्ता रेत घाट पर जमा हुए और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए बढ़े। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाकर कहा कि उनके शासन में स्वास्थ्य सेवाएं खराब होने की वजह से सूबे में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से अस्पतालों में रखे मृतकों के शवों को चूहे कुतर रहे हैं, स्ट्रेचर पर रखे शव कंकाल बन गए हैं। मसूद ने ये भी कहा कि विधानसभा में कोरोना पर कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।